नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज का यूपी में हम हाजिर हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट लेकर। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक से अपने दिन की शुरुआत की। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरिशंकरी यानी बरगद पीपल पाकड़ पौधे का रोपण कर देशवासियों को पर्यावरण दिवस की बधाई दी। मेडिकल कॉलेजों की आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था सुधारने की नई रणनीति बनाई गई है। अब सभी मेडिकल कॉलेजों को अति गंभीर मरीजों की जान बचाने का हिसाब देना होगा। यदि तीमारदार अपनी मर्जी से डिस्चार्ज कराकर मरीज ले जाते हैं तो उसकी भी समीक्षा की जाएगी। इसी आधार पर आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था की स्कोरिंग की जाएगी। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के जरिए मिशन 2024 पूरा करने की तैयारी है। इसकी शुरुआत 5 जून को गोला गोकर्णनाथ से हो रही है। इसके बाद कार्यकर्ताओं का दल नैमिषारण्य में जुटेगा। धार्मिक स्थलों से प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत कर सपा नर्म हिंदुत्व का संदेश देने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को समृद्ध बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसके लिए प्रदेश के सभी 16 नगर निगम वाले शहरों में दीदी कैफे की शुरुआत की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वाराणसी में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस कैफे का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा ही किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही इसका शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 14वीं किश्त भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन ये किश्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनके खाते और दस्तावेज पूरी तरह से सत्यापित होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार हर साल किसानों के खाते में 6000 रुपए की आर्थिक सहायता किश्तों के माध्यम से प्रदान करती है। यूपी के लोगों को अब अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में पढ़ाने के लिए ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में जल्द ही सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने सैनिक स्कूल सोसाइटी की ओर से राज्य सरकार को मिले पत्र के आधार पर शासन ने प्रदेश के सभी 16 जिलों के जिलाधिकारी को पत्र भेजा है, जहां नए स्कूल खोले जाएंगे। यूपी सरकार ने सभी विधानसभाओं में सड़कों और पहले से बनी सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए करीब 7.5 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। लोक निर्माण विभाग विधानसभावार करीब 6 करोड़ रुपए से इंटर कनेक्टिविटी रोड और 1.5 करोड़ रुपए से पहले से बनी सड़कों के पुनर्निर्माण में खर्च होंगे। इन सड़कों का प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों के साथ ही जिला प्रशासन से लिया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे की राह में पहले से स्थापित बिजली लाइन, पेड़ व भवन आदि हटाने यानी यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए 255 करोड़ रुपए की और जरूरत आ गई है। अब तक इस काम पर 600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अब 255 करोड़ रुपए का इंतजाम अगले विधानसभा सत्र में आने वाले अनुपूरक बजट से कराया जाएगा। भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। अब गोरखपुर जंक्शन को भी पुनर्विकसित करके वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। गोरखपुर जंक्शन स्टेशन का नया डिजाइन अप्रूव और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार हो गई है। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार इस स्टेशन के पुनर्विकास पर संशोधित लागत लगभग 693 करोड़ आएगी। गोरखपुर जंक्शन स्टेशन का पुनर्विकास आने वाले 50 सालों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अयोध्या में दिसंबर से जनवरी 2024 के बीच भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। इससे पहले यहां सरयू पर वाराणसी की तरह क्रूज और हाउस बोट सर्विस शुरू की जाएगी। पहला क्रूज अक्टूबर जबकि 2 क्रूज और हाउस बोट जनवरी तक सरयू में उतारे जाएंगे। क्रूज में सरयू की सैर के अलावा हाउस बोट में नाइट स्टे की फैसिलिटी भी होगी। अयोध्या नगर निगम का 2 कंपनियों के साथ MOU साइन हुआ है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।